नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ मोरेटोरियम के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में चल रहे मामले पर एक अपडेट डिस्कस किया था। और आज सर, मैं आपके साथ मोरेटोरियम के कॉन्सेप्ट को रीस्ट्रक्चरिंग की ओर कैसे ले जाना है उस विषय पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। यदि आपने कोई लोन ले रखा है और आप मोरेटोरियम की एक्सपेक्टेशन करते हैं, या मोरेटोरियम के बारे में और रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में और क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है सर, ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, कवरेज क्या है इस वीडियो की? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोरेटोरियम एंड रीस्ट्रक्चरिंग? मोरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग में फर्क क्या है? व्हाट आर द आरबीआई गाइडलाइंस, रीसेंट आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग? हु इज एलिजिबल एंड हाउ टू अप्रोच फॉर इट? व्हाट इज अ रेजोल्यूशन प्लान? इज देयर अ कट ऑफ डेट फॉर रेजोल्यूशन प्लान? What is the scope of resolution plan and can moratorium be also provided under resolution plan? तो एक आम आदमी की दृष्टि से सर, मैं यहां जो पॉइंट कवर करने जा रहा हूं कि दोस्तों, ये समझना है मोरेटोरियम में और रीस्ट्रक्चरिंग में फर्क क्या है। अगली बात, जो आरबीआई इस संदर्भ में रीस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइंस लेकर के आई है, उसके लिए एलिजिबल कौन है, आपको अप्रोच कैसे करना है, एक रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है सर, क्या उस रेजोल्यूशन प्लान की भी कोई कट ऑफ डेट है, क्या रेजोल्यूशन प्लान के स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल हैं, और क्या मोरेटोरियम भी रेजोल्यूशन प्लान का हिस्सा हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोरेटोरियम एंड रीस्ट्रक्चरिंग? हम सबको पता है कि आरबीआई द्वारा मार्च से लेकर के अगस्त तक के 6 महीने के लिए मोरेटोरियम की घोषणा की गई, और ज्यादातर असेसीज एट लार्ज ने उस मोरेटोरियम का बेनिफिट लिया भी। यानी ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने भी किसी प्रकार का होम लोन, पर्सनल लोन, छोटा मोटा बिजनेस लोन, गाड़ी के लिए लोन वगैरह ले रखा था, और जिनके आय के स्रोतों में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हिट आया ही है कोविड-19 की वजह से, उन्होंने मोरेटोरियम का लाभ उठाया। अब जनता जनार्दन इस समय यह अप्रोच रख रही है कि साहब, भारत सरकार किसी भी प्रकार से आरबीआई मोरेटोरियम को फर्दर बढ़ा करके दिसंबर 2020 तक ले जाए फॉर टाइम भी, क्योंकि अभी भी आर्थिक दशा बहुत सारे लोगों की खराब चल रही। तो इसी मोरेटोरियम का एक दूसरा रूपांतरण है सर, रीस्ट्रक्चरिंग। और मैं आज की इस वीडियो में इसी रीस्ट्रक्चरिंग पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप मोरेटोरियम को एक नए प्रारूप में रीस्ट्रक्चरिंग के रूप में समझिए दोस्तों। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग पर अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं तो ये कह सकता हूं सर, मान लीजिए मैं पढ़ाने का काम करता हूं और मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूं, और किसी वजह से, क्योंकि कोविड-19 लागू हुआ, तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हो गया। अब कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हो गया, स्टूडेंट से फीस आ नहीं रही, तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों मेरे पास में कोई इनफ्लो ही नहीं है। अब इनफ्लो नहीं है तो देन इन दैट केस वो इनफ्लो कब क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कोचिंग इंस्टीट्यूशन कब खुलते हैं, अभी भी नहीं खुले, ऑनलाइन में पढ़ा नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा रेवेन्यू फ्लो बिल्कुल खत्म हो गया। इस दौरान मैंने गाड़ी के लिए या मकान के लिए कोई होम लोन या कार लोन ले रखा है और मैं उसे पे करने की परिस्थिति में नहीं, तो आरबीआई क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान के लिए अपने बैंक या एनबीएफसी के पास जाइए और उनसे चर्चा करिए कि साहब मेरी ये स्थिति है। जब आप अपनी स्थिति उनके साथ बताएंगे तो बैंक या एनबीएफसी, यानी होम लोन प्रोवाइडर कंपनी या कोई भी अदर एनबीएफसी, आपकी दशा को समझेगी और आपकी दशा को समझते हुए उन्हें एक रेजोल्यूशन प्लान पर आपके साथ काम करना होगा। वो रेजोल्यूशन प्लान पर दोस्तों उन्हें ये व्यवस्था देखनी है कि हाँ साहब, किस प्रकार से आप आगे के अवधि में इस पर्टिकुलर लोन का भुगतान कर सकते हैं। मैं इसी विषय पर और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन आगे आपके साथ करता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बोला कि आरबीआई ने इस संदर्भ में रीस्ट्रक्चरिंग की कोई गाइडलाइंस इशू करी है, ये गाइडलाइंस आरबीआई सर्कुलर डेटेड 6 अगस्त 2020 से आई है दोस्तों। इनका टाइटल है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के साथ आपको इन गाइडलाइंस का लिंक भी शेयर करूं ताकि आप पढ़ना चाहें तो उन्हें पढ़ें। इसमें एक एनेक्चर है, उस एनेक्चर का पार्ट ये डील करता है सर, रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस इन पर्सनल लोन, कि अगर पर्सनल लोन में स्ट्रेस है, किसी प्रकार से पेमेंट वगैरह नहीं आ पा रहा है, तो उसका रेजोल्यूशन कैसे किया जाए, ये गाइडलाइंस हमारे लिए एज अ बोरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा प्रश्न है दोस्तों, हु इज एलिजिबल एंड हाउ टू अप्रोच फॉर इट? तो पर्सनल लोन यहां पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आरबीआई सर्कुलर में कवर किए गए, और आप पर्सनल लोन को केवल पर्सनल लोन ना माने सर, इसकी बड़ी कैटेगरी है,
इसमें कंज्यूमर क्रेडिट के लोन आते हैं दोस्तों, एजुकेशन लोन आते हैं, लोन्स गिवन फॉर क्रिएशन और एनहांसमेंट ऑफ इमोबल एसेट यानी होम लोन भी आते हैं, एंड लोन्स गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर डिवेंचर एक्सेट्रा। सब प्रकार के लोन जो एक इंडिविजुअल ने लिए हैं वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कवर्ड होते हैं। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये दोस्तों, हाउ टू अप्रोच फॉर इट। तो मैंने पहले भी बोला और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको अपने बैंकर या एनबीएफसी के पास जाना है, अपनी वर्तमान आर्थिक दशा को एक चाहे तो लेटर के रूप में और चाहे तो डिस्कशन के रूप में उनके सामने रखें। हर बैंकर ने, हर एनबीएफसी ने इस संदर्भ में अपने यहां पर लोकल लेवल पर ब्रांच मैनेजर को या किसी कमेटी को ऑथराइज किया होगा, वो आपको गाइड करना उनकी जिम्मेदारी है कि आपको किससे मिलना है। आप कंसर्न पर्सन से मिलें दोस्तों और उसके सामने अपनी समस्या रखें, और आप ये केवल ना सोच करके जाएं कि साहब मुझे तो पे नहीं करना। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मैं कुछ कम करके भी पेमेंट कर सकता हूं, तो आपका जो रिजोल्यूशन आपके दिमाग में है कि मैं कैसे पे कर सकता हूं या मैं बिल्कुल नहीं पे कर सकता, तो उसके क्या कारण है, वो आप बैंकर के सामने रखिए दोस्तों। बैंकर उस बात को सुनेगा और सुन करके आपको समाधान देगा। तो जैसा मैंने पहले बोला दोस्तों, व्हाट इज अ रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान वुड इंक्लूड ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजिंग एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ लेंडर एंड द बोरोवर टू सॉर्ट आउट द पेमेंट इशू अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ द केस। आपके केस की परिस्थिति के अनुसार एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाएगा, यानी कोई स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन प्लान नहीं है सर, केस टू केस बेसिस पर। हालांकि हो सकता है बैंकर्स या एनबीएफसी अपनी ओर से एक स्टैंडर्ड प्लान भी बना ले, लेकिन आरबीआई मानती है कि सर केस की परिस्थितियों के मद्देनजर रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इज देयर अ कट ऑफ डेट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। आरबीआई सर्कुलर कहता है सर, रेजोल्यूशन मे बी इन्वोक्ड नॉट लेटर देन 31 दिसंबर 2020 एंड मस्ट बी इंप्लीमेंटेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन। यानी आरबीआई कह रही है कि हमारे सर्कुलर के अंतर्गत आप लास्ट से लास्ट 31 दिसंबर 2020 तक रेजोल्यूशन प्लान के रूप में एक एग्जीक्यूशन कर लें बोरोवर के बीच में और लेंडर के बीच में, और फिर अगर वो रेजोल्यूशन प्लान हो जाता है तो विद इन 90 डेज वो चीज इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए दोस्तों, व्हाट इज द स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया मैंने पहले दिया, फिर मैं आरबीआई सर्कुलर का रेफरेंस लेता हूं। रेजोल्यूशन प्लान में इंटर एलिया इंक्लूड रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट, आपके पेमेंट का रीशेड्यूलमेंट करना, कन्वर्जन ऑफ एनी इंटरेस्ट एक्रूड और टू बी एक्रूड इनटू अनदर क्रेडिट फैसिलिटी, जो आपका इन द मीनवाइल पीरियड का ब्याज है जो आप नहीं पे कर पाए उसको भी वापस से रीशेड्यूल करके एक नए लोन के रूप में कन्वर्ट करना, और ग्रांटिंग ऑफ मोरेटोरियम बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ इनकम स्ट्रीम ऑफ बोरोवर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर के रेजोल्यूशन प्लान का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो मॉरेटोरियम से भी बड़ा है, और रेजोल्यूशन प्लान में मॉरेटोरियम भी शामिल है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर। यानी आरबीआई सर्कुलर कह रहा है कि आपको 2 साल तक के पीरियड के लिए भी सर मॉरेटोरियम दिया जा सकता है। हालांकि बैंक देगा नहीं देगा, एनबीएफसी आपको मॉरेटोरियम देगी नहीं देगी, वो आपके केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से वो डिसाइड करेंगे, पर आरबीआई कहती है कि सब 2 साल तक के लिए मॉरेटोरियम दिया जा सकता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली overall tenure of the loan may also get modified commensurately. The moratorium period, if granted, shall come into force immediately upon implementation of the resolution plan. तो यहां ये बात समझना जरूरी है दोस्तों कि जब आप moratorium को resolution से compare करते हैं तो resolution moratorium से अपने आप में एक बड़ी term प्रतीत होती है। तो मैं मानता हूं सर कि आप अगर किसी प्रकार के इसी लोन में फंसे हुए हैं, किसी कर्ज में फंसे हुए हैं और कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, तो रेजोल्यूशन प्लान का एक कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों मैं पुनः यही मैसेज देना चाहता हूं कि क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो ऐसा देखता हूं कि अपने आसपास बहुत सारे लोगों को परेशान पाता हूं जो किसी न किसी लोन में और अपनी कोविड-19 की वजह से जनित परिस्थितियों में लोन के रीपेमेंट में बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं सर। तो ये रेजोल्यूशन प्लान एक प्रकार की आशा की किरण है जो आपको मौका देती है सर कि हम केवल घर बैठे ये एक्सपेक्ट करें कि मोरेटोरियम मिलेगा। हालांकि मोरेटोरियम मिलना चाहिए, मैं इस विषय पर मना नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि केवल बैठे रहने से मोरेटोरियम मिल जाएगा ये एक्सपेक्ट करने से ज्यादा अच्छा है हम अपनी समस्या को लेकर के, अपनी एक्चुअल परिस्थिति को लेकर के बैंक तक पहुंचे दोस्तों, एनबीएफसी तक पहुंचे, और वो हमारी परिस्थिति को समझते हुए अब अधिकारित कर दिए गए हैं, अधिकृत कर दिए गए हैं आरबीआई द्वारा कि आप उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हुए उसे रेजोल्यूशन दीजिए। हालांकि दोस्तों अभी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट के संदर्भ में जो भारत सरकार ने अपना एक एफिडेविट दाखिल किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आगे हीरिंग होनी है,
मैं उस पर भी मॉरेटोरियम अपडेट लेकर आऊंगा, पर उससे पहले मुझे पिछली वीडियो के बेसिस पर दोस्तों ये लगा कि बहुत सारे लोग मॉरेटोरियम फर्दर नहीं बढ़ने से परेशान है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उन लोगों को ये अपडेट करूं कि आप रेजोल्यूशन प्लान की ओर बढ़ें, बैंक से मिलें, पहुंचे, एक समाधान निकालने की एमिकेबल वे में कोशिश करें, शायद आपको कोई अच्छा समाधान निश्चित रूप से मिले। मेरी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।